जिला उद्यान विभाग के प्रमुख डॉक्टर रमेश सैनी ने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर सेमिनार और सब्सिडी के आधार पर मधुमक्खी बॉक्स उपलब्ध करवाती है। जिले में हर साल लगभग 1500 टन शहद का उत्पादन होता है और विभिन्न राज्यों से व्यापारी हरियाणा में शहद खरीदने के लिए आते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जन स्वास्थ्य विभाग पलवल द्वारा जिले में हर घर को पीने का स्वच्छ पानी नल द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। विभाग के जिला सलाहकार कुसुम जांगड़ा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम जल एवं सीवरेज कमेटी का पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गाँव स्तर पर बनने वाली ग्राम जल एवं सीवरेज समिति में 50% महिलाओं की भागीदारी की जा रही है। इनमें आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समूह, सहायता समूह की महिलाएं, महिला पंच और सेवानिवृत्त महिला शिक्षक शामिल हैं। जिला सलाहकार ने कहा कि जल प्रबंधन पर 10% पंचायत विभाग द्वारा खर्च किया जाएगा। जिले के सभी गांवों में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। विभाग ने 29,920 पेयजल कनेक्शन को वैध करार दिया है। तो इसका हरियाणा गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका टारगेट जून 2022 तक अचीव करने का रखा है। और इसी कार्य में हमने सबसे पहले हाउस होल्ड सर्वे, जो कि पलवल जिला में 103% हमने कंप्लीट कर लिया है। हाउस होल्ड जो हमारा बेस है इस जल जीवन मिशन को सक्षम सक्सेसफुल बनाने का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है।